जम्मू कश्मीर से लेकर दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में शनिवार सुबह भूकंप के तेज झटके महसूस किए गए। जम्मू कश्मीर की कश्मीर घाटी और जम्मू संभाग में भूकंप के तेज झटकों के बाद लोगों में दहशत का माहौल देखा गया। हालांकि अब तक कहीं से भी जानमाल के नुकसान की कोई खबर नहीं है। भूकंप के झटके महसूस होने के बाद लोग अपने घरों से बाहर निकल आए। खबरों के मुताबिक भूकंप के दौरान करीब 20 सेकंड तक जमीन में कंपन महसूस किया गया। नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी के मुताबिक भूकंप भारतीय समयानुसार शनिवार सुबह 10:45 पर आया। इसका केंद्र अफगानिस्तान ताजिकिस्तान बॉर्डर पर जमीन के भीतर 181 किलोमीटर गहराई में था, जबकि रिएक्टर स्केल पर इस भूकंप की तीव्रता 5.7 आकी गई। इससे पहले 14 जनवरी को जम्मू कश्मीर में भूकंप के हल्के झटके महसूस किए गए थे। उस वक्त रिएक्टर स्केल पर भूकंप के झटकों की तीव्रता 5.3 आकी गई थी। कश्मीर पहाड़ी इलाका है, ऐसे में यहाँ पर भूकंप का खतरा हमेशा बना रहता है। विशेषज्ञों की माने तो इस क्षेत्र में बड़े भूकंप की आशंका हमेशा ही बनी रहती है। ऐसे में छोटा भूकंप भी लोगों को खौफजदा करने के लिए काफी होता है। कश्मीर घाटी में इससे पहले 8 अक्टूबर 2005 को आए भूकंप ने नियंत्रण रेखा के दोनों तरफ भारत पाकिस्तान में भारी तबाही मचाई थी। नियंत्रण रेखा के दोनों किनारों पर इस भूकंप में 80,000 से ज्यादा लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी थी। इस भूकंप की तीव्रता रिक्टर पैमाने पर 7.6 मापी गई थी। वही ताजा भूकंप के झटकों का दिल्ली एनसीआर और नोएडा पर भी असर पड़ा। यहाँ भी लोगों ने भूकंप के झटकों को करीब 20 से 25 मिनट तक महसूस किया। इस वीडियो में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की तमाम ताजा तरीन खबरों के लिए लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब करें। अगर यह वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें।